कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिविल अस्पताल पठानकोट की ओर से इमरजेंसी वार्ड को कोरोना आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है, जिसके चलते आज इमरजेंसी वार्ड में तैनात सभी बेड खाली करवा दिए गए हैं। वहीं जब इसके बारे में एसएमओ से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि पठानकोट के दिनों दिन कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब इमरजेंसी वार्ड को भी आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं और क्या कहा कोरोना के बढ़ते केसों पर एसएमओ राकेश सरपाल ने, आप खुद ही सुनिए इस रिपोर्ट के जरिए। इमरजेंसी वार्ड खाली नहीं करवाया गया, खाली कोई नहीं करवाया गया। सस्पेक्टेड आइसोलेशन वार्ड है, वो थोड़े घट बैड का सी और उसी चेंज किया उन्होंने, वो जड़े जड़े उत्थे दो तीन पेशेंट है गए सी, उन्होंने असी नाल दे पासे शिफ्ट करके ते असी एक होर सस्पेक्टेड आइसोलेशन वार्ड उत्थे शिफ्ट किया वा सी। खाली कोई नहीं कराई गई एमरजेंसी, क्योंकि तुम देखे ना नंबर ऑफ केसिस बहुत तेजी ना वध रहे हैं। कल साढ़े पहली बार पठानकोट के 500 का फिगर क्रॉस कर गए, 507 केसिस आए सी कल। तो इस करके अपन सस्पेक्टेड आइसोलेशन वार्ड जिहड़ा वा उन्होंने थोड़ी स्ट्रेंथ वधा के उहदे विच उह क्रिएट कीता अपनी एमरजेंसी दे विच, ताकि जिहड़े पेशेंट्स दे सिमटम्स हैगे ने उहनां नूं आपां उत्थे दाखल करदे हां, उहनां दा जिहड़ा टैस्ट जदों असीं टैस्ट करवाने हां उह नैगेटिव आउंदा।